हे गाइस, अभी मैं घर पे पहुंच गई हूँ। और गाइस, मुझे एक आपसे सजेशन चाहिए था। मैंने हर साल ये आकाश कंदील बदल देती हूँ, तो गए साल ना मुझे बहुत सुंदर वाला आकाश कंदील मिला था। तो इस साल मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे इतना सुंदर दिख रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस साल मैं सोच रही ना बदलूँ, पर मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं हर साल बदलती हूँ तो इस साल भी बदलूँगी। और गाइस, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, ऊपर से देखे रेड, आपको दिख रहा है कि नहीं? इसलिए मैं रात को शूट कर रही हूँ आपको बताने के लिए। तो गाइस, ये इस तरह से पूरा अच्छा दिखता है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं बदलू, चेंज करके नया लाऊं या नहीं लाऊं। ये इस बार जरा भी खराब नहीं हुआ है, ऐसे कैसे अच्छा का अच्छा रहा है, और मैं पूरा साल इसको लगाए रखती हूँ। तो इसलिए मैं इस साल आपसे सजेशन चाहती हूँ कि ये मैं चेंज करूँ या रहने दूँ। और गाइस, आज है कोजागिरी पूर्णिमा, और रात को देखिए चांद कितना सुंदर दिख रहा है। पूरा आसमान में चांद दिख रहा है। और आप सभी को हैप्पी कोजागिरी पूर्णिमा। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, पर आज मेरी सुबह बहुत लेट हुई है। पता है क्या हुआ? कल मैंने जो आंगन साफ किया और थोड़े से झाड़ को तोड़ा है, तो उसकी वजह से मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था। और फिर मैं जो रात को 12 बज गए मुझे ऊपर आते आते नीचे से, तो जो सोई वो सोई रही। मतलब क्या है, रोज तो अतिथि को उठाने के लिए उठ जाती। आंख में कुछ लग रहा है। हाँ, तो रोज तो ना मैं अतिथि को उठाने के लिए उठ जाती थी, मतलब अतिथि ही मुझे उठाती थी। पर आजकल 3-4 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो वो उठ नहीं पा रही है, सर्दी की दवा खा रही है, तो उसकी वजह से नींद बहुत आ रही है उसको। और कल उसकी एग्ज़ाम थी 12 बजे तक, ऑनलाइन एग्ज़ाम थी 9 बजे से 12 बजे तक। तो उसी चक्कर में रात को लेट सोना हुआ, मैं वेट करती रही उसका और फिर लेट हो गया। गाइस, कल शरद पूर्णिमा थी और कोजागिरी पूर्णिमा, पर मैंने बाहर दूध पोहे नहीं रखे। गए साल मैंने किया था, इस साल मैंने नहीं रखे, क्योंकि अतिथि का तबीयत ठीक नहीं था, उसके एग्जाम चल रहे। मुझे कुछ दिमाग ही नहीं चला। मैंने थोड़ा सा शूट किया कि चंदा मामा कितने अच्छे आए हैं, पर उसके बाद मैंने बस दरवाजे को लॉक किया और खाना वाना खाई नीचे और फिर ऊपर आई। आते आते मुझे लेट भी हो गया था कल, क्योंकि अभी मुझे दिवाली की सारी तैयारी करके रखनी है। मतलब डेली के कौन से कपड़े पहनने हैं वो सब मुझे रेडी करके रखना है। उसी चक्कर में मैं एक शॉप में, रास्ते में एक शॉप पर थी, और बहुत दिनों से नवरात्रि से स्टैचू पे कपड़े लग रहे हैं अलग अलग, प्लाजो पैंट वाले। तो एक ड्रेस लगा हुआ था, तो वो देखने को चली गई, पर वो मेरे साइज का नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद मुझे रात को सारी साफ सफाई करनी थी, क्योंकि सुबह उठ के होता नहीं है। पर रात को मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ कपड़े भिगाए रात को ताकि वो रात भर में फूल जाए और सुबह अच्छे से धुल जाए। तो वही सब। और सुबह उठने में मुझे जब प्रेस वाले भैया गेट आवाज कर रहे थे, ठोक रहे थे, तब मैंने मुझे जाग आई। और ये पीछे वाले बेडरूम में ना इतना बाहर का आवाज़ नहीं आता है, पूरा पैक हो जाता है। तो बस उनके आने से अच्छा हुआ, वो तो उन्होंने ठोका तो मैं कल कपड़े दिए हुए थे, इसलिए वो आए। कपड़े नहीं रहते तो वो आते भी नहीं थे। तो मैं उठी, फिर फटाफट फटाफट खाना बनाया। मैंने खाने में बनाई है आज तुअर के दाने की सब्जी और रोटी। देखिए, मेरा ये ना डोर ओपन रह रहा है, मतलब बंद होता है, पर वो कपड़े सारे ऐसे बाहर आ गए हैं, तो वो मुझे अरेंज करना है और उसके बाद वो प्रॉपर बंद हो जाएगा, क्योंकि बरसात के टाइम में ये फूल गया था तो बंद नहीं होता था। तो इसको मैं ओपन ही रखती थी, कपड़े निकालने को रखने को अच्छा पड़ता था, टाइट हो गया था। पर अभी बरसात जाने के बाद लकड़ा वापस से श्रिंक हो गया है,
और अब वो इजीली बंद हो रहा है, तो इसको प्रॉपरली अरेंज करके उसके बाद उसको मैं बंद करूँगी। तो अभी 6-7 महीना चल जाएगा, फिर अगली बारिश में फिर वही है। तो मैंने कारपेंटर को बुला के लास्ट ईयर बनवाया था, इसको छिलवा लिया था और ऐसा फ्लेक्सिबल कर लिया था, इजी मूव वाला, पर वो काय का फ्लेक्सिबल होता है, वो तो फिर से वैसा ही हो गया, पैसे गए पानी में। तो गाइस, अच्छा मैं बोल रही थी कि कल मैंने आंगन साफ किया तो मैं इतना थक गई थी। तो गाइस सोचिए, जो लोग खेत में काम करते हैं वो कितना थकते होंगे, और हम तो आराम से बैठ के पैसे दे के खरीद के लेके आ जाते, पर वो जब धान पिकता है और वो उनकी मेहनत रहती है, वो कितना मेहनत करते होंगे उसमें, हम थोड़े से में थक जाते हैं। मेरे से हो ही नहीं रहा है, मुझे वो सब जगह साफ करके सब बीजे लगानी है, थोड़ा बहुत गार्डनिंग करना है, पर रोज़ रोज़ मुझे 9 बजे तो जाना है। देखिए अभी भी 9:15 बज गए हैं, और आज का काम तो मेरा पूरा रह गया। आज से मैंने कपड़े धोए, खाना बनाया, बर्तन घसे, और अब मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस मेरी लाइफ में तो इस तरह से भागम भागी चली है, बस आज हो गए 20-22 साल, मैं ऐसे ही भागे जा रही हूँ, क्योंकि 9 बजे पार्लर पे जाना है, वहाँ से 10 बजे घर आना है, रात को घर के काम है, उसी बीच में करना पड़ता है। मैं रोज़ सोचती हूँ नाइट शिफ्ट करूँ, पर मेरी नाइट शिफ्ट कुछ होती नहीं है, और बस अब निकल रही हूँ। और आज मैंने ठंडे पानी से नहाया क्योंकि लाइट चली गई थी और टाइम नहीं था लाइट के लिए वेट करना, कपड़े धोए और फिर मैंने फटाफट नहा लिया ठंडे पानी से। अब थोड़ा सा मतलब गर्मी कम हो गई है ना, तो ठंडे पानी से नहाने को होता नहीं है प्रॉपरली, ठंडी लगती है बहुत। तो गाइस बस इस तरह से चल रहा है, अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, और बहुत दिन हो गया मैं आपको कुछ हेयर स्टाइल वगैरह सिखा नहीं रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको आईब्रोज वगैरह कैसे करते हैं वो बताया था, तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं आगे जाके। तो चलिए अब मैं निकल रही हूँ, अब दिवाली की सीज़न आ रही है तो थोड़ा बहुत पार्लर पे भी अरेंजमेंट कर दे रही हूँ, ताकि मुझे सारी चीज़ें प्रॉपरली हाथ में मिल जाए, और सब सामान भर के रखना है। कल ही मम्मी बोल रही थी कि पूरा लेके आ अभी, क्योंकि बाद में तुझे टाइम नहीं मिलेगा, पर रात को लेट हो जाता है और मैं वो मटेरियल वाले के वहाँ जाना मेरा रह ही जाता है। पहले तो मैं ऑर्डर देती थी ना पार्लर पे, तो पार्लर पे सब सामान आ जाता था, पर अब उसका भी बिजनेस बढ़ गया है, तो वो उसकी शॉप अच्छी चलने लगी है, तो वो नहीं आता है पार्लर टू पार्लर। पहले तो पार्लर टू पार्लर माल आ जाता था, कोई टेंशन नहीं था, जो चाहिए वो मंगा लो, जो चाहिए वो स्टोर करके रखो, तो टेंशन नहीं आता था, अब तो खुद जाना पड़ता है। तो गाइस चलिए 1-2 दिन में मैं करूँगी, और आज मैं ज़रूर नाइट शिफ्ट करके घर पूरा अरेंज कर लूँगी। बोलते बोलते मुझे 4 महीने हो गए, और गाइस अतिथि की तबीयत अच्छी नहीं हो रही है, मतलब दिल्ली में ना वहाँ पे ऐसा क्लिनिक जैसे कोई हॉस्पिटल, मतलब छोटे छोटे क्लिनिक रहते अपने यहाँ, कैसे बॉम्बे में जगह जगह पे डॉक्टर लोग के क्लिनिक रहते, पर दिल्ली में उस तरह से वो जो एरिया में रहती है उस तरह से क्लिनिक एक भी नहीं है। एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक उसके हॉस्टल के पास है, तो वो भी 2 दिन से वहाँ जा रही है, पर वहाँ पे सिर्फ कंपाउंडर मिल रहा है, डॉक्टर मिल ही नहीं रही है। और उसका क्लास रहता है 12 से 8:30 तक का, अतिथि का, तो 12 से 8:30 के बीच में तो वो डॉक्टर आती होगी और चली जाती होगी, पर अतिथि को मिल नहीं पा रही है 2 दिन से। मेडिकल स्टोर में सिर्फ चेंज कर कर के वो दवा ला रही है। अतिथि खुद भी डॉक्टर बनी है, पर अभी तक उसको इतना मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं है ना, अभी तो वो पढ़ ही रही है, तो इसलिए वो मेडिकल स्टोर में से दवा ले रही है, लेकिन प्रॉपरली अगर डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता होगा उसके पास से दवा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हर साल तो गाइस रशिया में रहती थी मैं, पूरा दवा का एक पाउच उसको रेडी करके रखती थी, उसमें चिट्ठियाँ डाल देती थी, डॉक्टर के पास से दवाई भी ले लेती थी, जैसे वो 3 दिन का डोज देते ना डॉक्टर लोग, उस तरह से दवाई लेके उसमें चिट्ठी डाल के, क्योंकि वो डॉक्टर का दवा बहुत अच्छा रहता है, उसको वो हमारे यहाँ जो डॉक्टर है ना उसकी दवा से बहुत अच्छा हो जाता है। और वो डॉक्टर भी पूरा बहुत सारे बंच बंच मुझे दे देता था अतिथि के लिए, कि ये
उसको एक साल पूरेगा, और अगर उसको नहीं लगा तो और किसी को तबीयत खराब हो रशिया में तो आप उनको बांटना। तो थैंक्स टू डॉक्टर, इतने 6 साल उसको कोई तकलीफ नहीं आई, पर ये 2-3 महीना मैंने सोचा कि वहाँ से रशिया से आते वक्त ना हमने सारी दवाई फेंक दी कि एक्सपायरी डेट हो गई होगी तो दवाई फेंक दी, और मैंने बोला कि हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं ना तो दिल्ली से मैं आपको लेके दे दूँगी, पर दिल्ली में वो पॉसिबल नहीं है, और 2 दिन में ऐसी मगजमारी हो रही थी पूरी, सब क्लास देखना, ये करना वो करना, रूम उसको अरेंज करके देना, उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। और मैंने सोचा कि ठीक है चल जाएगा, यहाँ तो ये इंडिया है तो यहाँ पे तो मिल जाएगी दवाई, पर मुझे पता नहीं था इतनी तकलीफ होगी, 8 दिन से परेशान हो रही हूँ सच में। कल तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कल मैंने उसको बोला तुम कहीं भी जाओ हॉस्पिटल चले जाओ, और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर लोग बैठते होंगे तो उनके पास से दवाई लिखवा के लेके आओ। क्लासेस के सर, उसका मेडिकल का ही पढ़ाई है तो कहाँ, क्लासेस के सर उसको चेक किए और बोले कि ये दवा लो, लेकिन जो डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि दवाई कैसा हर बार वो MR लोग आके दवाई नया देते रहते हैं, तो डॉक्टर लोग को भी आके समझाते रहते हैं कि ये नया आया मार्केट में, ये नया आया कौन सा रनिंग है, कौन से में क्या है, तो जो रनिंग प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहेगा ना वही प्रॉपर दवाई दे सकता है। तो गाइस मुझे अतिथि का बहुत चिंता हो रहा है, और चलिए बहुत बोल रही हूँ कब से अरे गॉड 9 मिनट हो गया गाइस, चलिए अब निकलती हूँ पार्लर पे और आगे देखते हैं मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। तो चलिए, और बच्चों से मिलना चाहोगे क्या मेरे प्ले स्कूल के, कल के वीडियो में मेरे बच्चे कितने मस्त थे ना, तो चलिए बच्चे कुछ नया करेंगे तो मैं मिलवाती हूँ आपको, और मैं भी निकलती हूँ, 9:30 बज गया, मम्मी वेट करती होगी, तो चलिए मैं निकलती हूँ पार्लर पे। और गाइज मैं हर वीडियो में बोलना शायद भूल ही जाती हूँ, पर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, मुझे नया देख रहे हो तो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइज लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, अगर आप लाइक करोगे ना तो मेरी वीडियोस रनिंग में आएगी, तो प्लीज़ जो भी मुझे देख रहे हैं वो हर बार लाइक कर दीजिए, लाइक के पैसे नहीं लगते गाइज, प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। तो चलिए बाय, मैं मिलती हूँ आगे, बाय बाय। ये मेरे स्टूडेंट अभी हेयर कटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते हैं इनके बालों को कौन सा कट सूट होता है, इनको सिंपल सा सिर्फ ट्रिमिंग करना है, तो हेयर ट्रिमिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। इनके बाल नीचे से बहुत पतले हो गए हैं तो हम ट्रिमिंग करेंगे। कितना कट करोगे आप दिखाओ, कितना कट करोगे उतना ट्रिमिंग किसको बोलते हैं, ट्रिमिंग मतलब इतना सा, हम सिर्फ नीचे के पॉइंट्स उड़ाएंगे, ये भी ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रिमिंग का मतलब है हम इतने से बाल कट करेंगे, नीचे के जो डबल हुए स्प्लिटर्स वो निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे उनके बाल कैसे प्रॉपर दिखते हैं, अगर ना दिखे तो थोड़े से फिर ऊपर काटेंगे, पर पहले स्टार्टिंग में हमको उनके बाल थोड़े ही काटना है। एक्चुअली में उनके बाल ऊपर से हेल्दी है पर नीचे से बहुत पतले हो गए हैं, पर उनको क्लाइंट को हम पहले थोड़ा सा जितना उनका दिल है काटने का उतना ही काटेंगे, उसके बाद उनको हम एडवाइस देंगे कि प्रॉपरली उनके बाल कितने काटे जाने चाहिए। अगर हम पहले ही उनके बाल ज़्यादा काट देते हैं तो फिर बहुत छोटे होने पे हम कुछ कर नहीं सकेंगे, इसके लिए हमें पहले क्लाइंट भले हमें बोले कि ज़्यादा काटो लेकिन हमने काटने नहीं है ज़्यादा, हमने उसके बाल थोड़े ही काटने हैं, ठीक है। बालों को खूब अच्छे से गीले करके उसे एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं हम, और उसके बाद कटिंग करेंगे। मिडल पार्टिंग करो, सेंटर पार्टिंग करना है,
सेंटर पार्टिंग करके अच्छे से पूरी तरह फोम कर लो और स्ट्रेट कर लो बालों को। सीजर फोम सकते एक सेकेंड काटना इधर से देख थोड़ा और नीचे ले लो थोड़े और थोड़े कम कर लो बस पहले कौन करो एक हाथ में टेलीफोन लेके थोड़े कर लो छोटा वो उंगलियों में पकड़ के काटो पार्टिक लेके कोम लो हाथ में कोम लो कोम करो ऊपर से पहले सारे बाल एक साथ लेके हमने काट लिए अब कोम करके थोड़े से साइड के बाल थोड़े लंबे लग रहे हैं तो उसको कटिंग करेंगे थोड़े से बड़े हैं थोड़े से देखो है तो उसको प्रॉपर कर लो इस तरह दो उंगलियों में पकड़ के हमें बालों को कट करना है ठीक है गाइस ये मेरी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रही है हेयर कटिंग का सारे स्टूडेंट जो मॉडल खड़ी है वो भी स्टूडेंट ही है थोड़े 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 ज़्यादा नहीं गाइस इस तरह से हमने बालों को ट्रिम किया है देखिए ये बाल हमारे हो गए हैं अच्छे से ट्रिम हम एक बार बालों को अच्छे से गीले करके फिर से चेक कर लेंगे कि हमारे बाल अच्छे से कटे हैं कि नहीं एक्चुअल में यहाँ से थोड़े से बड़े लग रहे हैं ये साइड के बाल तो पूरी तरह से इस तरह से उंगलियों में ले लेके चेक करो सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप ये देखिए थोड़े बड़े हैं यहाँ से इस तरह से हमें चेक करना है हर जगह से ये देखिए वो उससे ये इसकी गाइडलाइन लेके इसको चेक करो जिस तरह से हमने स्विच पे काटे थे ना उसी तरह से साथ में मत लो तीन पार्ट में लो देख लो प्रॉपर गाइस बोलते हैं कैंची किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए लड़ाई होती है कैंची को हमेशा साइड पे रख के दो दूसरों को
मैंने एक हाथ में कैमरा भी पकड़ा है, स्टूडेंट को एक हाथ से कैंची भी पकड़ा रही हूँ। ए लड़ाई नहीं करना मेरे साथ। बोलो तो सही कुछ मुझसे। नहीं होगी लड़ाई। मैडम के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता है। बस ऐसे ही हम हंसते खेलते सीखते रहते हैं, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऐसा सब, मजा मस्ती चलती रहती है पार्लर में। थोड़ा सा कट करो हाँ। गाइज आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती होगी क्योंकि मम्मी सोई हुई है, तो इसलिए मैं धीरे से बोल रही हूँ। और इसमें सुनने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ आप कटिंग देखिए कि ट्रिमिंग कैसे किया जाता है। देखिए ये पोर्शन इतना ज़्यादा है तो हम इसको प्रॉपरली काटेंगे। से हमने बालों को ट्रिमिंग करके स्प्लिटन्स निकाल दिए हैं। तो ये बाल काट लिए हैं पर उनको ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए, इसलिए हमने थोड़े से आधे इंच ही बाल काटे हैं। और स्टूडेंट आपको बराबर जमा ना, अच्छे से काटने को आया ना, समझा ना? तो कैसा लगा आपको हेयर कटिंग करते हुए, डर लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैडम ने बस सीख के बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आ गया है ना कटिंग के लिए। यस। तो चलिए गाइस हेयर कटिंग हो गया और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाय। तुम ये ना ये सर देखिए, सब लोग आ जाए, सब साथ, तुम ऐसे सभी साथ। तो ये थी मेरी मॉडल जिनके हमने बाल काटे और मैंने काटे हैं बाल। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बाय बाय।